हाँ तो यार, तो ऐसी वीडियो में लोग बात करने वाले हैं ड्रैगन बॉल सुपर हिंदी के बारे में। और ऐसी वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं कुछ अपडेट्स के बारे में जो कि निकल के आई है ड्रैगन बॉल सुपर हिंदी से रिलेटेड। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जब से मैंने एक वीडियो बनाई थी ड्रैगन बॉल सुपर हिंदी के बारे में, काफी सारे लोगों का यही कमेंट आया था कि कब ड्रैगन बॉल सुपर हम लोग को हिंदी में देखने के लिए मिलेगा कार्टून नेटवर्क के ऊपर। एंड गाइस, इससे रिलेटेड कुछ अपडेट्स है आज की वीडियो में हमारे पास। मतलब बेसिकली हमारे पास कुछ ऐसे हिंट्स है जिससे हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि ड्रैगन बॉल सुपर हिंदी में कब आ सकता है। एंड गाइस, एक और क्वेश्चन काफी बार पूछा जा रहा था, जो डबिंग कास्ट होने वाली है ड्रैगन बॉल सुपर की, मतलब जिन्होंने पहले हिंदी डब कर रखा है, क्या वही हिंदी डब इस बार करेंगे ड्रैगन बॉल सुपर को या कोई और कास्ट डब करेगी। इस चीज से रिलेटेड भी हमारे पास कुछ अपडेट्स हैं, हमारे पास हिंट्स हैं जिससे हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हम लोग को कोई नई कास्ट देखने के लिए मिलेगी या हम लोग को पुरानी कास्ट देखने के लिए मिलेगी जो हम पहले ही देख चुके हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ड्रैगन बॉल सुपर हिंदी के बारे में। हम लोग को कुछ हिंट्स दे दिए हैं अंकुर जवेरी सर ने उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर। वहां पर उन्होंने एक पोस्ट किया था जिसमें अंकुर जवेरी सर थे, अभिषेक दत्ता सर थे एंड एक और वॉइस एक्टर थे जिन्होंने अपनी आवाज दी थी बू को ड्रैगन बॉल जी के टाइम पर। अभी गाइस, इन तीनों के एक साथ फोटो में आने का एक ही मतलब निकलता है कि हो सकता है ड्रैगन बॉल सुपर की हिंदी डबिंग ऑफिशियली चालू हो गई हो। अभी गाइस देखिए, इस चीज की कोई भी हम लोग को कंफर्मेशन नहीं मिली है कि ड्रैगन बॉल सुपर हिंदी में डब होना चालू हो गया है, लेकिन इन हिंट से हम लोग हिसाब लगा सकते हैं कि ड्रैगन बॉल सुपर हिंदी डब होना चालू हो गया है। एंड वो जो इमेज थी उसको देख के ऐसा लग रहा था अंकुर जवेरी सर, अभिषेक दत्ता सर एंड जो तीसरे बंदे थे वो स्टूडियो के अंदर खड़े हैं, मतलब ड्रैगन बॉल सुपर हिंदी डब के स्टूडियो के अंदर खड़े हैं। तो गाइस, काफी बड़ा हिंट है कि ड्रैगन बॉल सुपर की हिंदी डबिंग चालू हो गई है, लेकिन गाइस आप सब लोग कहोगे अंकुर जवेरी सर है, बू के जो है वॉइस एक्टर है, वहां पर और कोई तो नहीं है। इस चीज का आंसर काफी ज्यादा सिंपल है। अगर अंकुर जवेरी सर से इन लोगों ने कॉन्टैक्ट साइन किया होगा, उनको बुला लिया होगा स्टूडियो के अंदर, तो इन्होंने बाकी लोगों से भी तो कॉन्टैक्ट साइन करके उनको भी बुला लिया होगा। बस मुझे ऐसा लगता है कि ड्रैगन बॉल सुपर हिंदी की न्यूज ये लोग सीक्रेट रखना चाहते हैं, ये लोग ऑफिशियली हम लोग को कंफर्मेशन नहीं देना चाहते, हम लोग को सरप्राइज देना चाहते हैं। अभी कैसी बात मैं ऐसी हवा में नहीं बोल रहा हूँ, एक और वॉइस एक्टर है जो कि चीची की वॉइस एक्टर रह चुकी है ड्रैगन बॉल जी के टाइम पे, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे एक पोस्ट किया था। अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में उन्होंने ये बात बताई थी कि जल्दी ही वो किसी चीज को हिंदी डब करने वाली है और वो चीज हम लोग को जल्दी ही देखने वाली है टीवी के ऊपर। बट मैम ने ये चीज कही थी कि वो जिस चीज के ऊपर काम कर रही है, जिस चीज को वो हिंदी डब कर रही है, उसकी वो कंफर्मेशन हम लोग को नहीं दे सकती, उनको वो सीक्रेट रखना है। तो गाइस, ये भी हम लोग के लिए काफी बड़ा हिंट हो जाता है। यार, चीची के वॉइस एक्टर है वो, तो फिर से ड्रैगन बॉल सुपर जब वापस आ रहा है तो वो चीची को ही तो अपनी वॉइस देंगे, वो किसी और के ऊपर थोड़ी ना काम करेंगे। एंड गाइस, दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या हम लोग को नई कास्ट देखने के लिए मिलेगी या हम लोग को पुरानी ही कास्ट देखने के लिए मिलेगी ड्रैगन बॉल सुपर हिंदी डब करने के लिए। इस चीज का आंसर भी हम लोग इन्हीं हिंट से लगा सकते हैं। अंकुर जवेरी सर वापस से पहुंच चुके हैं स्टूडियो में, ये जो मैम है वो पहुंच चुकी है स्टूडियो में, जो कि मतलब अपनी वॉइस पहले से ही दे चुके हैं गोकू और चीची को, तो काफी ज्यादा ऑब्वियस है जिन्होंने ड्रैगन बॉल जी डब किया था, जो पुरानी कास्ट थी वही हम लोग को देखने के लिए मिलने वाली है ड्रैगन बॉल सुपर को हिंदी डब करते हुए। अभी का इस तीसरा क्वेश्चन और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबिंग स्टार्ट हो चुकी है ड्रैगन बॉल सुपर हिंदी की, लेकिन हम लोग को कब ड्रैगन बॉल सुपर हिंदी में देखने के लिए मिलेगा कार्टून नेटवर्क के ऊपर। तो गाइस, मुझे ऐसा लगता है 2 महीने लग सकते हैं अभी भी ड्रैगन बॉल सुपर को हिंदी डब होने में, देन वो कार्टून नेटवर्क के ऊपर हम लोग को हिंदी में देखने के लिए मिलेगा। अभी गाइस, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज उसका रीजन काफी ज्यादा सिंपल है। ये लोग एक ही एपिसोड को हिंदी डब करके कार्टून नेटवर्क पे नहीं डालेंगे, ये लोग पहले पूरी की पूरी एक आर्क को हिंदी डब करेंगे। ये लोग ड्रैगन बॉल सुपर की सबसे पहली आर्क को उठाएंगे, पहली आर्क कौन सी थी, बैटल ऑफ गॉड आर्क, उसको पूरा का पूरा हिंदी डब करेंगे, देन उसके बाद उसके जो एपिसोड है वो कार्टून नेटवर्क पे आना स्टार्ट होंगे। एंड गाइस, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये लोग पहला एपिसोड हिंदी डब करेंगे देन उसको सीधा कार्टून नेटवर्क के ऊपर दिखाएंगे, तो गाइस ऐसा नहीं होने वाला, ऐसा नहीं होता है। कोई भी कार्टून हो गया, एनिमे हो गया या ड्रामा हो गया, उसके सबसे पहले काफी सारे एपिसोड बनाए जाते हैं, देन एक एक करके उसको टीवी पे दिखाया जाता है। तो गाइस, मुझे ऐसा लगता है अभी 2 महीने और लग सकता है ड्रैगन बॉल सुपर को हिंदी में आने में, कार्टून नेटवर्क के ऊपर आने में। एंड गाइस, आगे कोई भी हिंट मिलती है हम लोग को ड्रैगन बॉल सुपर हिंदी से रिलेटेड या कोई भी हिंट हम लोग को देखने के लिए मिलता है तो वो मैं आप सब लोग के साथ शेयर कर दिया करूंगा। अभी गाइस, एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। ड्रैगन बॉल सुपर तो हम लोग को हिंदी में देखने के लिए मिलने वाला है कार्टून नेटवर्क के ऊपर, लेकिन और कौन से एनिमे या फिर कार्टून हम लोग को देखने के लिए मिलने वाला है जो कि काफी ज्यादा फेमस है पहले से। तो गाइस, मुझे कुछ कमेंट मिले थे जिसमें लोग पूछ रहे थे क्या हम लोग को हड्डी मेरा बर्थडे देखने के लिए मिल सकता है कार्टून नेटवर्क के ऊपर फिर से हिंदी में। वैसे इस चीज की हम लोग को ऑफिशियल कंफर्मेशन सुनने के लिए नहीं मिली है, लेकिन जो न्यूज आ रही है उससे तो हम लोग को ऐसा ही लगता है कि हड्डी मेरा बर्थडे भी हम लोग को कार्टून नेटवर्क के ऊपर हिंदी में देखने के लिए मिल सकता है। एंड कुछ लोगों ने ये भी पूछा था क्या करेज द कवर्डली डॉग शो हम लोग को हिंदी में कार्टून नेटवर्क के ऊपर फिर से देखने के लिए मिल सकता है। तो इसकी भी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है कि हम लोग को करेज द कवर्डली डॉग शो हिंदी में कार्टून नेटवर्क के ऊपर देखने के मिल सकता है, और इसके चांसेस भी काफी ज्यादा कम है, इसकी न्यूज भी हम लोग को सुनने के लिए नहीं मिल रही। हड्डी मेरा बर्थडे की तो कुछ कुछ न्यूज हम लोग को सुनने के लिए मिल रही है, लेकिन करेज द कवर्डली डॉग शो की हम लोग को बिल्कुल भी न्यूज सुनने के लिए नहीं मिल रही कि वो भी हिंदी में आने वाला है कार्टून नेटवर्क के ऊपर। लेकिन गाइस, होप करते हैं जो एनिमे या कार्टून आप लोग चाहते हो कि कार्टून नेटवर्क के ऊपर आए हिंदी के अंदर, वो आप सब लोग को देखने के लिए मिल जाए। अच्छी बस इतना ही था गाइस, होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलता है अगले वीडियो में, टिल देन बी गुड गाइस।